आप लोग के सेवा में बड़ा ही प्यार दुलार आप सभी दर्शकों का मिल रहा है हम कलाकारों को। तब आप लोग के सेवा में हमारी संगीत देवर भाभी का प्यार बहन बनी गद्दार उर्फ डाकू शेरनी। अगर आप लोग इसी प्रकार शांति व्यवस्था रख करके कार्यक्रम को रात भर देखेंगे तो खेल को देखने के बाद हमको घमंड तो नहीं लेकिन विश्वास जरूर है कि खेल को देखने के बाद आप सबके आंख में आंसू आए नायब बाबू लेकिन कलेजा तो पसीज ही जाएगा। और रात भर हम और हमारा छोटा भाई रात भर आप सबकी सेवा हंसाते और लोटपोट करते रहेंगे। तो आप लोग के सेवा में कौन आएंगे कौन जाएंगे क्या करेंगे क्या करवाएंगे आप कहां के रहने वाले अकबरपुर के रहने वाले माने जाने 420 माने जाने 420 ले ले खपड़ी मांगे भीख डबल हरामी 24 गुंडा नंबर 1 आप लोग के बीच में प्रधानों में प्रधान कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी तो प्रधानों में प्रधान माने जाने प्रधान आप देखिएगा एक प्रधान होते हैं विकासशील प्रधान होते हैं और ये भी प्रधान जो हमारे इस नौटंकी पार्टी के प्रधान हैं ये भी विकासशील प्रधान हैं लेकिन इनकी गरिमा क्या है विगत वर्षों की बात और प्रधानों की गरिमा क्या है तब आप लोग खेल के माध्यम से समझिएगा और इस कहानी को अपने दिल पे मत लीजिएगा। ये सब कहानी काल्पनिक है आप लोग के मनोरंजन के लिए दिखाया जाता है। तब आप लोग के बीच में प्रधानों में प्रधान अकबरपुर के रहने वाले ए माने जाने प्रधान आशिक अर्जुन प्रधान पधार रहे आ रहे हैं। तूफान कहते हैं हिलाते पत्ते पत्ते को उसे तूफान कहते हैं समाज के उस दरिंदे को आशिक अर्जुन प्रधान कहते हैं। दोस्तों थोड़ा तो वादा नहीं आशा जरूर करता हूं कि सुबह होते होते आप सबकी अनमोल धारा नहीं होगी। दोस्तों थोड़ा और तेज कराएगा हाँ अरे हाँ नहीं 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 ठीक है अरे हम कहे हैं अरे हम कहे हैं हेलो दोस्तों मैं इसी अकबरपुर का रहने वाला हूं मेरा सुनाम आशिक अर्जुन प्रधान है। साथियों साथियों मैं एक पंचवर्षीय प्रधानी किया मैं प्रधानी में जीत गया जनता मेरे पर बहुत खुशी हुई। मैं गांव गांव में कॉलोनी खंजा खुआ कर इंटरलॉकिंग करवा दिया कॉलोनी दिलवा दिया और यहां तक कि हैंडपंप तक लगवा दिया जनता मेरे पर बहुत खुश है। साथियों दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय आई उसमें भी जीता लेकिन दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय
मैं हार गया साथी, कैसे हारा? ऐसी अमरगढ़ में एक नेता पैदा हो गया साला, जिसका नाम अमरपाल था, और उसकी धर्मपत्नी जिसका नाम अनारकली। अनारकली से 3 बच्चे पैदे हुए, 2 बेटी और 1 बेटा। बेटी का नाम अंजलि और उससे बड़ा भाई जिसका नाम अनिल कुमार, उससे छोटी बेटी जिसका नाम आरती। साथियों, उसी नेता के कारण मैंने इलेक्शन में हार गया। साथियों, ये अंध व्यक्ति नहीं कि अमरपाल जब तक इस अपमान का बदला मैं चुका नहीं लूंगा तब तक चैन से बैठोगे नहीं। साथियों, एक दिन प्रधान जी सिगरेट जल गया है, सिगरेट जल गया है। अबे उसे कहते प्रधान जी नमस्कार। अबे नमस्कार नहीं, पुराना सा साले नमस्कार कहा जाता है। नमस्कार, नमस्कार। और पहले से आराम बा? अबे साले पहले से आराम है, पहले से आराम बा। ये बताओ बढ़िया बाटक नहीं? बढ़िया है, सारे अंतु है, बढ़िया है, बढ़िया। ऐसा बोल, बढ़िया बाटा ना। हाँ हाँ, कहा कहता है कि आप अमरपाल की वजह से प्रधानी हार गए। आप अमरपाल की वजह से प्रधानी नहीं हार, तब आप अपनी चाल से प्रधानी हारे। क्यों? इसलिए चाल से प्रधानी हारे, जब पहले पंचवर्षीय इन्होंने प्रधानी जीता तो गांव का विकास किया, गांव को खड़ंजा तक उचरवा डाला। सारे मतलब उचरवा के उसको RCC इंटरलॉकिंग करवा दीजिए, बहुत विकास किए पहले पंचवर्षीय में, विकास किए। लेकिन जब दूसरी पंचवर्षीय आप प्रधानी जीते तो कमी ये हो गई, क्या कि आप लोगों की लैट्रिन खाने लगे। क्या है लैट्रिन खाने गए? यानी लैट्रिन का पैसा खा गया? मतलब लैट्रिन का पैसा वही लैट्रिन खाने लगे। इसलिए कि हमको चैतू मिले थे। क्या कहे? चैतुआ कह रहा था। क्या कह रहा था? कि क्यों बे? अरे हम कहे दादा कहे गुर्रा था यार, कहे नहीं बता बे। अरे हम कहे दादा कहे गुस्सा था यार, कहे नहीं बता। अरे हम कहे दादा गाड़ी जी दे आगे। हम कहे बात क्या है? कहने यार तुम प्रधान जी के आदमी हो। हम कहे तो हाई दिमाग उमाग खराब है, मैं अपने औरत का आदमी हूँ। तो बोले प्रधान जी के साथ में रहते हो ना? हम कहे हाँ, मैं प्रधान जी का पीए हूँ, मैं प्रधान जी का पीए हूँ, लेकिन उनका आदमी नहीं हूँ। हाँ सपोर्टर हूँ प्रधान जी का। मैं बोला कि मैं प्रधान जी का दहिना और बायां दोनों हूँ, सपोर्टर है, सपोर्टर दहिना हाथ भी बायां हाथ भी। तो मैं बोला दादा बात क्या है? कहने यार तुम्हारे प्रधान जी ने बड़ा बदतमीजी का काम किया। हमने कहा क्या किया? तो बोले तुम्हारे प्रधान जी मेरी लैट्रिन खा गए। सारे लैट्रिन का पैसा खा गया। तो मैं बोला क्या हमारे प्रधान जी सुअर हैं क्या? जो लैट्रिन खाएंगे। मैं बोला बात क्या है? बोले यार क्या बताऊं यार छोटू, मेरी लैट्रिन नहीं आ रही है। हम कहे दादा हो सकता है कि बीच में कागज फंस गया हो। नहीं, कभी कभी ऑनलाइन में कागज फंस जाता है, ऑनलाइन में कागज फंस जाता है कभी कभी। हम कह सकता है बीच में कागज फंस गया हो इसलिए लैट्रिन नहीं आ रही है। तो हम कहे प्रधान जी से बात हम जरूर बोलेंगे। तो चैतुक लैट्रिन क्यों नहीं आ रही है? कागज पास हो जाएगा उनकी लैट्रिन आ जाएगी। गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी ये है आधार कार्ड की संख्या। चलिए ठीक है, उनके आधार कार्ड की संख्या गड़बड़ रही इसलिए चैतु की लैट्रिन नहीं आई। लेकिन हमारी लैट्रिन का है खाया तो साले जब से मेरी लैट्रिन खाया से पेट खाली खाली सा हो गया। 4 साले रहता जिस दिन मेरी लैट्रिन नहीं आ रही भाई साहब मढ़ई में लेता हूँ, चलो पेट तो पचका के छपका के लेता हूँ कि हे प्रभु कब लैट्रिन मेरी प्रधान जी वापस करेंगे। लेकिन आज तक कब हमारी लैट्रिन आप देंगे? अबे इस वक्त योजना आएगी तो हम दे देंगे। नहीं अगर मेरे उल्टी टट्टी। क्या है उल्टी टट्टी?
मतलब मुझे कहीं थी उल्टी। अबे साले उसे उल्टी कहते हैं, उल्टी। हाँ तो प्रधान जी एक बात है, बताइए क्या बात है। आप अमन पाल की वजह से प्रधानी हारे, तो आप उसके परिवार वालों को कुछ बोले नहीं? आग धधक रही थी भाई। मैं तो सुना हूँ कि आप, मैं मौका ढूंढ रहा था कि अमर पलवा जब तक हम तुझे बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक चाय से बैठक रही थे। हाँ प्रधान जी, मैंने दिमाग लगाया, मौके की तलाश, मौके का तलाश करता रहा और अपनी राइफल को लोड किया दीपावली के त्योहार और ग्लोरो स्टार्ट किया और ग्लोरो लेकर पहुंचे उसके घर पर। सीधा उसके घर पे पहुंचा तो हरामजादा माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहा था। अच्छा अच्छा, मतलब दोनों पति पत्नी में, दोनों पति पत्नी में वो अमरपाल और अनारकली। मौका अच्छा था बे। मैंने राधन को निशाना लगाया और उसको हरामजादे को दुनिया से तोड़ काट दिया। दोनों पति पत्नी को आप गोली मार दिए? गोली मार दिया, दोनों वहीं पर खत्म हो गए। अबे अबे ओ बची अंजलिया और अनिलवा, आरतिया आरतिया अनिलवा और अंजलिया को पकड़ में लादा और नशीला पदार्थ देकर उसे बेहोश कर दिया गए। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बेहोश हो गए। अच्छा, उसको ले गया पहाड़ी पर से फेंक दिया, वो साले मर गए। और मेरे डर से वो आतिया हरामजादी गांव छोड़कर भाग गई। मतलब जब आप उन दोनों को किडनैप कर लिए, नशीला पदार्थ सुंघा दिए, अनिलवा और अंजलिया बेहोश हो गई, बेहोश हो गई और आप ले गए ऊंची पहाड़ी पर से फेंक दिया, दोनों की कहानी और आरतिया मौके का फायदा उठा करके भाग गई। भाग गई है, लेकिन प्रधान हम सुने तो बियाह कर ले। ऐसे अमरगढ़ में मेरी शादी हुई है। आपका नाम, आपके पत्नी का नाम क्या है? मेरे पत्नी का नाम आशा अपरबला है वे। और मेरे इसे तो हाथ जोड़ी मिलती बा। आपका नाम आशिक अर्जुन प्रधान और आपके पत्नी का नाम आशा पर पेला। आशा अपर बला पे बला, आशा अपर बला। अच्छा अच्छा, आशा पर बला। लेकिन यार प्रधान जी कभो अपने मेहरारू से मिलाया ना यार हमका? अबे मिला देंगे देख। ओ हरामजादी अपने मायके में रहती है, काहे रहा था? इसलिए हमका लगा तो है कि हमारे दो साले अभी मतलब नादान है, जब छोटे छोटे हैं। जब आप शादी किए तो आपके दोनों साले छोटे 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 हैं। उसके परवरिश करने के लिए आप उसको वहाँ छोड़ दिए? ओ मैं उसको वहाँ पर छोड़ दिया हूँ। अरे प्रधान जी, तो मेरे बड़े साले का नाम अविनाश है और छोटे साले का नाम अमित है। अमित अविनाश। हाँ अब तो लोग बड़ा हो गए हैं प्रधान, बड़े हो गए हैं। तो प्रधान चला आज हमारे विचार कहा बात। क्या बात है? हमारे तो चली चल कहा था ही, हमारे तो चली और तो मेरा रुक लेके चला आई। चलो लिवा के चले आएंगे। नहीं अगर ना आई तो हाल चाल तो लेके आओ कि ना। हाँ हाँ लेके चला आओ। आइए चलिए, कैसे चल चल कैसे चल रहे हैं? संगीत कला के प्रेमी को सबसे पहले मेरा नमस्कार सत्कार। अब लोग सबसे पहले मेरा और मेरे परिवार का परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं। मैं इसी अमरगढ़ का रहने वाला हूं। मेरा नाम अविनाश है। मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम अमित कुमार है। लेकिन बड़े दुख और अफसोस की बात है, जब हम दोनों भाई छोटे छोटे थे तभी मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मुझे उनका प्यार नहीं मिला और दुनिया छोड़ करके स्वर्गवासी हो गए। घर में मेरी बड़ी बहन है जिसका नाम आशा है। मेरी बहन आशा की शादी अकबरपुर में हुई है। मेरे जीजा जी का नाम आशिक अर्जुन प्रधान है।
लेकिन मेरी बहन अपने ससुराल में नहीं रहती है, वो मेरे घर पर रहती है और दोनों भाई की परवरिश करती है। खुशियों से मेरा परिवार चल रहा है बाबू। मेरे कॉलेज का वक्त हो गया है, मेरा एक दोस्त अभी तक आया नहीं, मालूम नहीं कॉलेज जाएगा या नहीं जाएगा। थोड़ी देर इंतजार करता हूँ फिर कॉलेज चलता हूँ। अरे हम गए भैया 970, हम गए 63। पहाड़ा पूछा था क्या? क्या पूछा तूने? जो नाम गुरुजी से कह रहा था, गुरुजी 970। उसे 970 कहा जाता है तो? उसे कहा जाता है गुरुजी नमस्ते। हाँ भैया नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और छह बच्चा है? नहीं 12 बच्चे हैं। कैठ ले गया बे? भैया बे तो है बियाह नहीं, 12 बच्चे कैसे तो बच्चा कैसे पूछे? हाल रहना चाहिए। और सब अच्छा है कि बच्चा है बे? और सब अच्छा है, बढ़िया है। अपना बताओ। अपन क्या बताए, बोलबे नहीं करते तो से काय बरे तोरे पर हम गुस्सा नहीं। तो यार सकल बतावत या तो पिछवारे सा बता। अब गुस्सा नहीं कभी यार, काहे बरे गुस्सा नहीं से ही काहे अब नहीं नहीं रोज स्कूल जाते है, हम कल यहां ही जाते रहे है, आवाज खेलने चला जाता। 5 बार तुम्हें आवाज दिया, तेरा पता नहीं है? अच्छा कि मतलब जब आवाज देते हैं तो आप ही देते हैं का? हाँ जब पिछवरवा रहा हो बे, हम जानते ही हूँ। अरे भैया जब आप आवाज देते रहा है तो उस समय हम बकरी लेते रहे। हाँ करते रहे बकरी लेते रहे? कहाँ भैया? व्यापारी बुलाए रहे घरे। ले है कि खरीदे? वह भाई लेब खरीदे के बतिया बकरिया ली। कई ठी ले है वह पूछत है? एक बकरी के बच्चा लीन है। अब बकरिया के लाई गए अंदर बांध दी है, बकरिया के लीन तो बकरिया कुछ नहीं बोले है। जब बच्चों के लिए भाई तो सार म्या म्या चिल्लाई लाग। जब अपने माई के ना देखे चिल्लाए भाई क्या री? जानकी के अपने माई बिना चिल्लात बा लइयो करे माई को करे ओका करे माई लेके छोड़ के और सीधा कॉपी कलम उठाए सीधा भगत आए तो भाई आप मिलता है। तोरे इंतजार करते हम तो हम स्कूल पहुंच गए हो। अच्छा स्कूल चला गया होता बेटा? और क्या करी? हाँ ये बात है, गलती हमारे ही अटे, आप घुराया आपको फर्ज पूर कही दिया तो। लेकिन भैया एग्जाम आवे वाला बा तो कुछ पढ़ाई में ध्यान न दिया था कि एग्जाम ही देखा था? पढ़ाई में ध्यान है जोन बताया रहे याद करे कि नहीं करे? अरे एकदम चपुआ याद करे। हाँ भाई बा काखा गाघा है ईबा सीधा। ईबा सीधा क्या है बे? एबीसीडी की ईबा सीधा? भैया एबीसीडी छोटे बच्चे पढ़ते हैं है? जैसे चवन्नी जैसे बच्चे। अच्छा छोटे बच्चे पढ़ते हैं है? और मैं मोच वाला बड़ा बच्चा हूँ बूढ़ा, तो मैं ईबा सीधा पढ़ता हूँ। बेवकूफ लोग गधे लोग पढ़ते हैं जिन्हें कुछ आता नहीं है। आता नहीं है? कोई भी ईडी नहीं ईबा सीधा पढ़ते हैं। नहीं नहीं आता नहीं है। हमने जो पढ़ाया याद किया कि नहीं ये बता तू। क्या सुनाई चाहता? मुझे काका गागा सुना तू। काका गागा? हाँ सुन दा भैया सुनाओ एक शर्त पे। शर्त है? शर्त यह है क्या? अगर सही रही तो हाँ करे, अगर गलत रही है तो पहले हाँ करे। काहे बरे हाँ करब थारे? जब गलत रही तो काहे हाँ करब? तब उठाओ जूता तो कबरे आज। नहीं मतलब गलत रही तो ना कह, ना कह का सुन बे पहले का सुनाई जे काका काका पहले सुनाओ। तब भैया सुना है ना पहलवानी लड़ाई याद हम मारे आज मारा था तू भैया याद है इतना कॉन्फिडेंशियली दिमाग बा बा। हाँ हमारे प्रधान जी चेल आए माना भाई। नहीं मेरे बाबू पर पहले देखा बात तो हर प्रधान जी की तो हो रहा है। सुना का से कबूतर कबूतर वाला का है, खा से खरगोश खरगोश वाला खा बा सबस, गा से गधा गधा वाला गा। अरे वो गधा वाला का कि गमला वाला का है मुरा? आगे तो हर प्रधान हम देखते हैं प्रधान के चेला है ना, गधा वाला का कि गमला वाला का क्या बता रहा था? भैया बता रहे आप गमला वाला। क्यों गधा वाला कहा? भैया गमला जब देखे हुए सुधा लिया एक ठीक तो नहीं नहीं गधा वाला हम लगाए है कहे भी ना गमला वाला नहीं लगाए। काहे नहीं लगाया? गमला दुई तल्ला पर रखा रहा तो जब पढ़ाई लगे तो हम कहे दुई तल्ला पर से गमला उतार के लिए आओ तो ज्यादा टाइम लग जाये। अच्छा और सामने गधा चलत रहा है, हम कहे सारे काट के जोड़ दे गधा हवाई क्या उसरे के रहवैया सारे गधा ही देखा थे इतना बढ़िया डूब रही लेकिन उसड़ौरिन चारा थी। वो शब्द का प्रयोग करे जो बोलने और सुनने में अच्छा लगे। भैया नहीं सुन पा। अच्छा गा से गमला
गमला वाला गा कैसे गमला गमला वाला गा घासे घोड़ी घासे घड़ी पटक दिया वही घासे घड़ी और अंडा माने कुछ नहीं अंडा माने नहीं साले अंगा माने अंगा माने कुछ नहीं चा से चाचा छा से छाछा छाछा गाँव साले छाता की छाछा छा से छाता जा से जहानाबाद जहानाबाद नहीं फिरोजाबाद फिर अब चूड़ी बेच में सारे थे जैसे जहाज जा से जहाज झा से झरिए मतलब एक रे आगे वही नहीं करे भूल गया एक रे आगे जब झरिए भूल गए सब कई अक्षर याद करे दो ही अक्षर दो ही अक्षर कितना दिन में बहुत कम समय में कितना दिन लाग तीन महीना बस खा और खा तीन महीने में का और खा ओकरे बाद गावा नहीं भूल गया गधा को दही दिखाई लाग तो का घोड़ी अंडा ये सारे खाया घूमा तू गिनती सुना गिनती हाँ इकाई दहाई वाली इकाई दहाई हाँ वो तो हमका चपुआ याद बा हमारा वो आज चपुआ ही खड़ा है याद देखा मोड फ्रेश आए का जाने रहा है नहीं नहीं भैया याद देखा ऐसे काम ना करा भैया याद देखा एक काई एक के हाँ दो इकाई दुक्के दो सबस सबस तीन काई तिक्के तीन चार काई चौके चार वाह पांच काई पंचे पांच सात काई सात पांच के बाद कितना होता है पांच के बाद छह होता है तो छह क्यों नहीं कहा सात क्यों कहा छह इसलिए नहीं कहा क्यों प्रधान जी सुबह पेपर पढ़ रहे थे हाँ वो बोले कि एक बोलेरो दुर्घटना में छह की मौत हो गई हाँ हम कहे जब छह साला मर गया तो उसको मैं गिनती से काट दिया साले तो अंकल खाए गया हाँ। अबे बोलेरो दुर्घटना में छह लोग की मौत हो गई प्रधान जी पढ़ रहे होंगे लोग की हाँ। हम जाने छह वाली मरिए छह मरिए हम सोचे गिनती है छह वाली मरिए अच्छा छह सात आठ नौ दस आगे बोलो दस के आगे बस क्यों आगे वही नहीं करते क्यों नहीं आता है जात ना नहीं दिन एक कैठी पकड़े मैं तू जिंदगी में मुझे जब दूठी पकड़े कोशिश करी तब सटक जाई थी जुबन जी सटक जात हमारे यही चपगो याद है हम भैया पांच छह तक की गिनती आ रही तुम्हें भैया आपसे सही बताए तो हम पढ़ब ना तब का कर बे हमारे पढ़े मन नहीं कहता है तो हर मन का कहता है आज हमका तू ही बता दे पढ़ब हम आंगनबाड़ी वाले में आंगनबाड़ी केंद्र में उसमें कौन पढ़ाई होती है पढ़ाई नहीं है हुआ जाब दरिया ले भाई है हुआ जाब दरिया ले भाई और मैडम से है नहीं मतलब अगर भैया मैडम जी से है अरे भैया खाट सिटी मार भैया मैडम सिटी तो मारा है मतलब कौन मारे भैया अरे भैया यार आवा यार आवा यार आवा हुआ था ना गिर पाई यार आवा हिया था गिरा तो काम आवा आ तो मैडम से भूल जाबे अरे भैया अरे पढ़ाई जाबे कि मैडम से सीटी मारे में गोड़ हाथ में जाई जाबे कैसे मारा ऐसे रुका रहा मैं मार रहा अरे भैया पढ़ाई जाबे कि वो मैडम से बतलाई जाबे भैया हम जाबे नहीं ए बारे सारे तो हर शक्ल बिगड़ गई कैसे पढ़ी फिर जब से आज के बाद तुम्हें कॉलेज नहीं जाना होगा दिन में बकरी चराना होगा रात में पढ़ना होगा दो घंटा का समय निकालो मैं तुझे पढ़ाऊंगा रात में रात कई बजे आठ बजे से दस बजे तक उसके बाद सो जाना घरे कई बजे जाबे घर नहीं जाना होगा हाँ तुम्हें मेरे पास रहना होगा वहीं सोना होगा सुबह जाना होगा ना भैया क्या हम तुम्हें लगे ना सो पाऊ काहे बरे परसों लगी और रह रहे यार है हम जब सोई गए तो हमने मुंह ना लतवाई दई देने अबे जब सोई गए तो लतवा दई देने तो कौन गलत कर प्रधान जी इतना वजन गोल है हमारे सांसें मतलब यार क्या बताए ओका मरबो बेकार है नहीं भैया हम रहा लेकिन आप खटिया पर आवे हम खटिया के नीचे पैरा पाल के चला भाई पैरे पर रह कहो कि परम दबा गया डरा जी कहा हो गया बात हो रही गैस बनती है चलो घुमा के लाता हूँ